नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राशन डीलर की मिल रही शिकायत के चलते छापेमारी की गई, जिसमें धांधली का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इगलास तहसील के साथनी गांव में छापेमारी में 100 बोरा गेहूं और 100 बोरा चावल बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक के बेटे रिंकू पाठक सहित 4 मजदूरों को हिरासत में लिया है। स्कूल प्रबंधक के गोदाम से काफी मात्रा में राशन दिया जाने वाला सामान बरामद किया गया है, जो कि अवैध रूप से स्कूल के गोदाम में रखा हुआ था। यहां पे देखा तो 4 मजदूर राशन के सामान, राशन के कोटे को के चावल और गेहूं को बदलकर दूसरे बोरे में रख रहे थे। आते हमने पकड़ लिया। मौके पर 100 बोरे चावल के और 100 के लगभग गेहूं के बोरे पकड़े गए हैं और यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा भी साथ में पकड़ा गया है। अंदर क्यों आए फिर? तो ये लाइट देख के स्कूल, तुम्हारा स्कूल है ना, यहाँ पर काला बाजार हुई थी तुम्हारे स्कूल के अंदर हो रही थी, नहीं जाने संज्ञान में नहीं थी सब कुछ। इतना बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पे, पूरा कालाबाजी चल रहा है, काफी बोरे पाए गए हैं, आपको पता ही नहीं है? सर बिल्कुल पता ही नहीं, पता होता सर मैं आता क्यों? तो यार ऐसे तो तुम्हारे स्कूल में चाबी तुम्हारे देवे ना कोई ले आएगा? सर मुझे यही संज्ञान में नहीं है साहब। हाँ, यहाँ पर रामचंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय सातरी में कुछ बोरे चावल के और गेहूँ के पकड़े गए, जिसमें से कुछ चावल के बोरे कन्वर्ट किए गए हैं सामान बोरे और कुछ सील पैक गेहूँ और चावल के बोरे। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।